नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं भाई दूज के त्योहार के बारे में। दिवाली के ये पांच त्योहारों में एक भाई दूज भी उसमें शामिल होता है। दिवाली के पांच दिनों के त्योहार में भाई दूज भी इसमें शामिल होता है। सबसे पहले शुरुआत धनतेरस से होती है, फिर उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद आता है भाई दूज। और ये त्योहार मिलकर हमारे जो आस पास के माहौल को और भी ज्यादा रंगीन और भी ज्यादा खुशहाल बना देती है। और ये ही त्योहार होते हैं रिलेटिवों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, एक साथ खुशियों को सेलिब्रेट करने का और खुशियों को मनाने का अच्छा अच्छा तरीका भी मिलता है। एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटना, शेयर करना और उनके घर जाकर अपनी खुशियों को दोगुना कर देता है। आज जानते हैं भाई दूज के त्योहार के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। भाई दूज के त्योहार जो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है, लेकिन भाई दूज का त्योहार मनाया क्यों जाता है? भाई दूज का ऐसा क्या खास दिन होता है कि हम लोग भाई की पूजा करते हैं और भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, उपहार में वह जो भी चाहे वह मिलता है। तो बहन का भी ये त्योहार बहुत ज्यादा खास माना जाता है। सूर्य की पत्नी छाया, छाया की कोख में राज और उनकी बहन यमुना जी का जन्म हुआ था। और इसी त्योहार पर यमराज अपनी बहन से दौज कराने के लिए आते हैं। वह हर साल दौज और राखी बंधन के त्योहार पर पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए ये त्योहार और भी ज्यादा खास माना जाता है। क्योंकि यमराज जो अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं है। वह अपनी बहन के लिए समय निकाल के खास उसके त्योहार के लिए उसके घर आते हैं। माना जाता है कि यदि दौज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं या फिर गंगा में स्नान करते हैं, तो भाई की मृत्यु का या फिर भाई की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। भाई की उम्र बढ़ती है और यदि भाई और बहन एक साथ गंगा यमुना में नहाकर आते हैं तो भी खास माना जाता है। भगवान यमराज का यह कहना होता है, यदि इस दिन बहनें अपने भाइयों की दौज करती हैं तो भाइयों की अकाल मृत्यु से बचाव होता है, इसलिए ये दौज बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है। भाई दूज का ये त्यौहार बहनों के लिए तो खास होता है, लेकिन उसके साथ भाइयों के लिए भी खास होता है। पास भी आजकल की बिजी शेड्यूल में समय ही नहीं है हम लोग उसके घर जाकर मिलें, उससे कुछ समय अपनी बातें शेयर करें। अभी सभी लोग बिजी रहते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे के घर जा भी नहीं पाते, लेकिन त्योहार ऐसे होते हैं कि जब हम उनके घर थोड़ा समय बिताने के लिए समय निकाल ही लेते हैं, इसलिए त्योहार को और भी ज़्यादा खास माना जाता है। त्योहार सिर्फ एक बहाना है एक दूसरे के घर जाने का और एक दूसरे से मिलने का, वरना तो किसी के पास कोई समय ही नहीं है कि एक दूसरे से मिलने का समय भी मिल जाए। और वह उससे अगले दिन खाना खाकर अपनी बहन के घर से विदाई लेते हैं और बहन को उपहार में कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये है वह कारण कि हम भाई दूज क्यों मनाते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।